डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मेरे हिसाब से आपको वो पहले देख लेने चाहिए, उसके बाद ये तीसरा पार्ट देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंप्लीट समझा दूंगा, एक भी चीज बाकी नहीं रहेगी, लेकिन इसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंटिन्यूअस शब्द का मतलब समझो। काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है। जैसे मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, नाच रहा हूं, ये सारे काम किस में हो रहे हैं? प्रेजेंट में, आज में। तो इसे किस में गिना जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये हो गया एक भाग। अब इसी चीज को हम कल पे अप्लाई करते हैं, आने वाले कल पे। अगर हम आने वाले कल में इसी चीज को बोलें तो कैसे बोलेंगे? कि कल मैं नाच रहा था, कल मैं खा रहा था, कल मैं पढ़ रहा था, वगैरह वगैरह। मतलब जो ये चीजें थी सारी, ये कल हो रही थी, कल ये चीजें कंटिन्यू थी, और इसे मैं आज बता रहा हूं। तो इसे किस में गिना जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। अब यार दो टेंसेज में हो चुकी है, प्रेजेंट और पास्ट में, तो फ्यूचर में भी हो सकती है। कल मैं खा रहा होऊंगा, कल मैं नाच रहा होऊंगा, तो मतलब कोई भी काम कल कंटिन्यू रहेगा, तो इसे कहेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब है कि तीनों कालों में काम चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। और अगर इन तीनों को हम अपने चार्ट के हिसाब से देखें तो यही तीनों आज हमें पढ़ने हैं। तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले वाक्यों को लेता हूं। अगर मैं आपको इसमें कुछ इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए दूं, कुछ जैसे मान लो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, इसी का एक नेगेटिव दूं कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, और एक प्रश्नवाचक कि क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो इन तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें इनके रूल्स पता होंगे, रूल्स मालूम होंगे, तो इन्हें ट्रांसलेट करना इतना आसान हो जाएगा कि हम कैसे भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमको पहले रूल्स समझ लेने चाहिए। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल कि भैया कोई भी काम चल रहा है तो ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ेगा, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह। सब कामों के आगे ING आ रहा है ना, तो वर्ब के आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लगाएंगे। दूसरा रूल इज एम आर का प्रयोग। ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज। इन तीनों में ये जो एम है ना, इसका लफड़ा तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये हमेशा आई के साथ ही जुड़ेगा। उदाहरण के लिए आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर, तो जुड़ रहा है ना आई के साथ एम, आई एम। जहां तक बात है इस इज की, तो ये इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन के साथ जुड़ेगा, जैसे ही, शी, इट, ही इज, शी इज, इट इज। तो मतलब है तो अकेला आदमी ना, तो अकेले पर्सन के साथ में इज जुड़ेगा। अब जहां तक बात है इस आर की, इसका तो आप सोच ही सकते हैं किसके साथ में जुड़ेगा, प्लूरल के साथ में, बहुवचन के साथ में, यानी कि यू, वी, दे। बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ में आर जुड़ेगा, यू आर, वी आर, दे आर। तो अब तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब जब हम एग्जाम्पल उठाएंगे तो आराम से समझ में आएगी ये चीज। इसके बाद अगला नियम ये है कि नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, तो ये इज एम आर के बाद में नॉट लगा दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, सेंटेंस बनाने के साथ साथ याद हो जाएगी। और यही हमारा लास्ट नियम ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक होते हैं जो, उसमें सब्जेक्ट के पहले ये इज एम आर लग जाता है। ये नियम भी हमें सेंटेंस बनाने के साथ साथ याद हो जाएगा। तो अब रूल्स हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें सेंटेंस बनाने चाहिए। अब हम वही तीन सेंटेंस उठाते हैं जो हमने पहले उठाए थे। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, नेगेटिव में मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। इन तीनों को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो पहले वाले को हम इंग्लिश में बदल के देखते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं का आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे हमारे जो भी रूल्स थे हमने फॉलो किए हैं, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और प्ले जो है वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगेगा, और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है।
अब नेगेटिव में इस सेंटेंस को बदल के देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे आई के साथ एम लग गया, उसके साथ नॉट लग गया। जैसा कि मैंने आपको रूल समझाया था कि ये सेंटेंस बनाने के साथ साथ समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट प्ले वर्ब है, इसके साथ आई एन जी लगा है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो अब इस तीसरे वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में बदल के देखते हैं। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे एम जो है, ये एम ये सब्जेक्ट के आगे आ गया, ये आई के आगे आ गया और लास्ट में जाकर के क्वेश्चन मार्क लग गया, और प्ले जो कि वर्ब है इसके साथ आई एन जी लग गया, और इसी के साथ साथ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। अब दोस्तों, इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसी चीजों को बताया जाता है जो पास्ट में चल रही थी। मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल देकर के समझाया था कि मैं पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था, तो इसके भी तीन वाक्य बन सकते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा था, नेगेटिव में मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो इन तीनों को भी इंग्लिश में बदलने के लिए हमें कुछ रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखने पड़ेंगे। तो ठीक है, रूल समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, जो पिछला वाला था, कि इसमें वर्ब के आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आई एन जी लगेगा, जैसे पिछले वाले वाक्यों में लग रहा था डूइंग, ईटिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह, तो इसमें भी आई एन जी लगेगा। क्लियर है? ठीक है। रूल नंबर टू, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट आई, इन सब के साथ में वाज का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए, आई वाज डांसिंग, आई वाज ईटिंग, आई वाज ड्रिंकिंग। वहीं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि यू वी दे के साथ में वर का प्रयोग होगा। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग इज एम आर का प्रयोग कर रहे थे, और यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाज वर का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा वही दो सिंपल से रूल, नेगेटिव सेंटेंस में वाज और वर के बाद नॉट लगेगा, और दूसरा रूल ये कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वर सब्जेक्ट के पहले लगेगा। हम लोगों ने जो हिंदी के सेंटेंस उठाए हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख ही लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो इसमें मैं जो है वो सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो नियम के अनुसार इसके साथ में वाज लगेगा। आई वाज प्ले जो है वर्ब है, इसके साथ में आई एन जी लगेगा, प्लेइंग फुटबॉल, तो इज इक्वल टू आई वाज प्लेइंग फुटबॉल। यही अगर नेगेटिव में करके देखें तो मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वही नियम के अनुसार वाज के साथ में नॉट लग जाएगा, आई वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। बहुत सिंपल है ना? ठीक है, अभी इसको प्रश्नवाचक में बदल के देखते हैं कि क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, वाज आई प्लेइंग फुटबॉल। अब यहां पे वाज पहले क्यों आया? नियम के अनुसार वाज पहले ही आएगा क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में। तो दोस्तों, तीनों सेंटेंसेस को समझने के साथ साथ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, इसमें ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा, हम फ्यूचर में वो काम कर रहे होंगे। जैसे मैं खा रहा होऊंगा, मैं खेल रहा होऊंगा, मतलब कोई काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए, मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, नेगेटिव में मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होऊंगा, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। तो इन तीनों को इंग्लिश में बदलने के लिए वही हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स याद करते हैं, उसके बाद हम इनको इंग्लिश में बदलेंगे। तो इसके जो रूल्स हैं वो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में विल बी का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस में बी के पहले नॉट का प्रयोग होगा, जैसे ही विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल का प्रयोग जो है वो वाक्य के प्रारंभ में होगा। जब हम इन एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में बदलेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में बदलना। मैं फुटबॉल खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैंने कहा था ना, इन वाले वाक्यों में विल बी आएगा, तो ये आ गया विल बी। ठीक है, प्ले वर्ब है तो मैंने कहा था आई एन जी लगेगा, कंटिन्यू अगर पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, आई एन जी तो लगेगा ही। अगर इसी सेंटेंस को हम अगर नेगेटिव में बदल के देखें
मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूंगा तो आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे ये नॉट जो है ये बी के पहले लगा है। मैंने आपको बताया था रूल्स के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस में बी के पहले नॉट लगेगा, तो आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। और अगर इसी सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में बदल के देखें, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूंगा, विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे विल पहले क्यों आया ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में विल पहले आता ही आता है और एंड में जाकर के क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहां पे हम लोगों ने इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी समझ लिया। और इसी के साथ